फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये नवी मुंबई का नज़ारा है। आज मैं सुबह सुबह ठकुए की तैयारी कर रही हूँ। गुड़ और आटे के ठकुए हैं ये। ऐसे तो मैंने छठ पूजा में मेरे ससुराल से आया हुआ प्रसाद खाया, लेकिन खाने के बाद मेरा मन नहीं भरा, तो मैंने सोचा फिर से बना लिया जाए। इसमें छठ पूजा क्या क्या बा, जब मन करे तब बना लो। तो मैंने इसमें आटा, गुड़, थोड़ी सी चीनी, सौंफ, इलायची का पाउडर, और आप मन करे तो ड्राई फ्रूट भी डाल सकते, लेकिन मैंने नहीं डाला। मुझे जो जो चीज़ पसंद है मैंने वही चीज़ डाला है। मैंने इसमें घी का मोयन डाला, लेकिन यहाँ रिफाइंड तेल का यूज कर रही हूँ। ये मेरे पास ठकुए का सांचा है, जो मैंने बहुत साल पहले सोनपुर मेला से लिया था। अब ठकुए को धीमी धीमी आंच पे पकाना है हमें। वैसे तो आज रविवार का दिन है, बच्चे लोग घर में हैं। ऐसे तो नवी मुंबई में ठंडी पड़ती नहीं है, सुबह में हल्की हल्की ठंडी रहती है, फिर दिन में गर्म हो जाता है कि पंखा चलाना पड़ जाए। और यहाँ क्या दोरस मौसम है, जिसकी वजह से बच्चों को ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। आज मैंने सुबह सुबह पोहे की नमकीन भी बनाई, जो बहुत ही अच्छा बना है। मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद आया। ये जो ठकुआ जो मैंने बनाया, मुझे पता है मैं और मेरे पति ही खाएंगे। आजकल के बच्चे तो मॉडर्न बच्चे हैं, उन्हें ये सब चीज़ से क्या ही पता, उन्हें पिज़्ज़ा बर्गर ही खाना पसंद है। अब मैं भी देखती हूँ मेरा कैसा बना ठकुआ। सारा चीज़ तो अंदाज से ही डाला है मैंने, क्योंकि ये सब चीज़ तो बड़े बुजुर्गों के हाथ को, उनको उन्हें पता रहता है कि एक्यूरेट क्या क्या डालना है। ये सब चीज़ बनाओ तो बड़ों की बहुत याद आती है, कितना चीनी डालना है, कितना शक्कर डालना है, उन लोग को सब पता रहता है। मैंने तो अंदाज से ही सारा कुछ डाला है। ये मैंने थोड़े अलग तरह के डिज़ाइन इसमें बनाए हैं ठकुए में। ये जो साँचा है, अलग अलग तरीके का डिज़ाइन है। बिहार में तो रंग बिरंगे मिलते हैं साँचे ठकुए बनाने के। ये मैंने करीब 16 साल पहले ख़रीदा था। इसका मैंने बहुत कम यूज किया, इसीलिए एकदम ज्यों का त्यों नया ही दिख रहा है। अब हमारा ठकुआ लगभग बन के तैयार ही है। हमारे बिहार का तो ये सबसे फेमस पकवान है। वहाँ तीज हो, त्यौहार हो, छठ पूजा का तो सबसे मेन है ये ठकुआ। हमारा ठकुआ बनके तैयार है।